इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट फोर में पुनः आपका स्वागत है। इसमें हम कुछ नए नए स्ट्रक्चर देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी सीखने में, और यह आनंददायक भी है क्योंकि एक फार्मूला है और फार्मूला से किसी तरह के वाक्य को आप आसानी से बना सकते हैं। जो अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वी वन, तो यह एक्टिव में है, और टू बी प्लस वी थ्री है मतलब वो पैसिव में है। इसको समझना है, टू प्लस वी वन एक्टिव रूप है और टू बी प्लस वी थ्री पैसिव रूप है। तो यदि प्रेजेंट में हैज हैव है तो पास्ट में हैड होगा, फ्यूचर में विल या शैल के साथ हैव आएगा। इस पर हिंदी कैसे वाक्य बनता है उसको देखेंगे। He has to learn English, मतलब उसे अंग्रेजी सीखना है या सीखना ही है या सीखना पड़ता है। I have to go there, मुझे वहाँ जाना है या जाना ही है या जाना पड़ता है। My brother has to go to play every day, मेरे भाई को प्रतिदिन खेलना है या खेलना ही है या खेलना पड़ता है। अब कहेंगे कि उसे नहीं जाना है तो ही हैज नॉट टू गो, टू के पहले नॉट, मुझे नहीं पढ़ाना है, आई हैव नॉट टू टीच, आई हैव नॉट टू बाई दिस बुक, मुझे यह किताब नहीं खरीदना है। अगर क्या से आता है कि क्या उसे अंग्रेजी सीखना है तो हैज को पहले ला देंगे, हैज ही टू लर्न इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी सीखना है, उसे अंग्रेजी कहाँ सीखना है तो वेयर पहले निकाल देंगे, वेयर हैज ही टू लर्न इंग्लिश। आप निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए पैसिव रूप में आएगा, ही हैज टू बी टॉट, ही हैज टू बी टॉट, उसे पढ़ाया जाना है या पढ़ाया ही जाना है या पढ़ाया जाना पड़ता है, पैसिव में है। राम हैज टू हेल्प, राम को मदद करना है, राम हैज टू बी हेल्प्ड, अब हो गया कि राम को मदद किया जाना है या किया जाना पड़ता है। तो एक्टिव पैसिव दोनों पर ध्यान रखेंगे, कोई काम सब्जेक्ट को खुद करना है तो एक्टिव, कोई काम किया जाना है तो उसी स्ट्रक्चर में टू प्लस वी वन को पैसिव में टू बी प्लस वी थ्री में चेंज करेंगे। अब हैड देखिए, ही हैड टू गो देयर, उसे वहां जाना था, जाना ही था, जाना पड़ा था या जाना पड़ता था। इन सारे हिंदी वाक्य को हम उसी से बनाएंगे। जैसे ही हैड टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखना था, उसे अंग्रेजी सीखना ही था, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ा, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ा था, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ता था। तो इतने तरह के हिंदी वाक्य को सिर्फ आप हैड प्लस टू प्लस वी1 से बना सकते हैं। अब देखिए, ही हैड टू बी पनिश्ड, पैसिव में है, देख रहे हैं टू प्लस बी प्लस वी थ्री है, तो उसे दंडित किया जाना था, उसे दंडित किया जाना ही था, उसे दंडित किया जाना पड़ा, उसे दंडित किया जाना पड़ा था, उसे दंडित किया जाना पड़ता था। तो एक्टिव में भी और पैसिव में भी। अब फ्यूचर में है, यू विल हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना जाना ही होगा या जाना होगा या जाना ही पड़ेगा या जाना पड़ेगा। इस सभी हिंदी वाक्य को हम इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना ही होगा, सीखना होगा, सीखना ही पड़ेगा या सीखना पड़ेगा। अब कहेगा कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना होगा तो यू विल हैव नॉट टू गो देयर, यू विल हैव नॉट टू, टू के पहले नॉट लगाएंगे। क्या तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा तो विल आगे निकाल देंगे, विल यू हैव टू गो देयर,
तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ेगा? तो क्यों में डब्ल्यू एच निकाल दीजिए, क्यों का अंग्रेजी व्हाई विल यू हैव टू गो देयर। तो आप निगेटिव इंट्रोगेटिव सबका ख्याल रखिएगा उसको अभ्यास करने में। सी विल हैव टू बी इन्वाइटेड पैसिव में है, तो उसे निमंत्रित किया जाना होगा, किया जाना ही होगा, किया जाना पड़ेगा या किया जाना ही पड़ेगा, सब हिंदी हो गया उससे। अगला स्ट्रक्चर में आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, प्लस हैव प्लस टू प्लस वी वन एक्टिव, टू बी प्लस वी थ्री है तो पैसिव। जैसे ही में हैव टू गो देयर में लगा हुआ है तो सकता है हिंदी आता है, संभावना में उसे जाना पड़ सकता है ऐसी संभावना है। ही में हैव टू कम हियर उसे यहाँ आना पड़ सकता है। ही में हैव टू बी हेल्प्ड पैसिव में है, उसे मदद किया जाना पड़ सकता है, पैसिव में है। ही मस्ट हैव टू गो देयर, मस्ट लग गया तो उसे वहां अवश्य जाना होगा या अवश्य जाना पड़ेगा। ही मस्ट हैव टू बी पनिश्ड पैसिव में आ गया तो उसे अवश्य दंडित किया जाना होगा या अवश्य दंडित किया जाना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी अवश्य सीखना पड़ेगा या अवश्य सीखना होगा। यू माइट हैव टू गो देयर, माइट, यू माइट हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ता। यू माइट हैव टू हेल्प देम, तुम्हें उन लोगों को मदद करना पड़ता। आई माइट हैव टू सेल माई काउ, मुझे अपनी गाय बेचना पड़ता। अगर ऐसी परिस्थिति कोई आ जाती तो हमको बेचना पड़ता, लेकिन बेचे नहीं। पैसिव में है, ही माइट हैव टू बी हेल्प, उसे मदद किया जाना पड़ता, पैसिव में है टू बी हेल्प, मदद किया जाना पड़ता। अगला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस कांट निगेटिव वाक है, प्लस लेट, प्लस लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा क्योंकि लेट वर्ब है, उसके बाद भीवन प्लस अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर पर के वाक्य को कैसे बनाया जाता है, जैसे आई कांट लेट हिम गो देयर, मतलब मैं, यहाँ लेट का मतलब अनुमति देना, तो मैं उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। तो इस अनुमति देना के अंग्रेजी में लेट के जगह पर अलाउ का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आई कांट अलाउ हिम। अब अलाउ का प्रयोग करेंगे तो टू प्लस वीवन यहां करना पड़ेगा, वर्ब के पहले टू, तो आई कांट अलाउ हिम टू गो देयर, दोनों से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अलाउ का जब प्रयोग करेंगे तो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, उसके बाद टू प्लस वीवन हो जाएगा। अब दोनों तरह से बना के चलिए, सी कांट लेट यू प्ले हियर, वह तुम्हें यहाँ खेलने की अनुमति नहीं दे सकती है। अब अलाउ से बनाइए, सी कांट अलाउ यू टू प्ले देयर, वह तुम्हें वहां खेलने की अनुमति नहीं दे सकती है। तो क्या समझ में आया कि लेट के जगह पर अगर अलाउ का प्रयोग करेंगे तो नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा उसके बाद वर्ब जो आ रहा है उसके पहले टू देना पड़ेगा, मतलब वह इन्फिनिटिव रूप में आता है। वी कांट लेट देम पार्क देयर कार हियर, हम लोग उन लोगों को उनकी जो कार है उन लोगों की कार को यहाँ पार्क करने की, मतलब खड़ा करने की अनुमति नहीं दे सकते। तो वी कांट लेट के यहाँ पर अलाउ कीजिए, We can't allow them to park their car here. तो इस तरह के वाक्य को जब allow से बनाएंगे तो याद रखना होगा कि allow जब प्रयोग करेंगे let के जगह पर तो noun या pronoun जो object के रूप में आएगा उसके बाद जो verb आएगा वह to plus V1 रूप में आएगा, ठीक है। अगला देखिए, भीवन प्लस एंड प्लस लेट प्लस भीवन, इसे लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो,
दो मतलब अनुमति देना। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लीव एंड लेट अदर्स लीव, यहाँ लेट के बाद ऑब्जेक्ट भी ला सकते हैं, जियो और दूसरों को जीने दो। रीड एंड लेट अदर्स रीड, पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ने दो। इंजॉय एंड लेट अदर्स इंजॉय, तुम भी मौज मस्ती करो, इंजॉय करो और दूसरों को भी इंजॉय करने दो, मौज मस्ती करने दो। प्ले एंड लेट मी प्ले, खेलो और मुझे भी खेलने दो। तो इस तरह के वाक्य में जो लेट आ रहा है, लेट का मतलब अनुमति देना ही अर्थ में है। अगला स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच, जिसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। डब्ल्यू एच के बाद इन्फिनिटिव, डब्ल्यू एच के बाद जो इन्फिनिटिव आता है उसका हिंदी देखें क्या होता है। जैसे वेयर टू गो, कहाँ जाए, व्हाट टू ईट, क्या खाएं, हाउ टू गो, कैसे जाएं, व्हाई टू गो, क्यों जाएं, व्हेन टू गो, कब जाएं, इज नॉट डिसाइडेड, यह तय नहीं है। तो डब्ल्यू एच प्लस टू प्लस भी वन जो इन्फिनिटिव आ रहा है उसका हिंदी देख रहे हैं। वेयर टू प्ले, कहाँ खेलें, अगर इसको निगेटिव में बनाना है, वेयर नॉट टू गो, कहाँ नहीं जाएं, टू के पहले नॉट लगाएंगे। व्हाई नॉट टू गो, क्यों नहीं जाएं, व्हाट टू ईट, क्या खाएं, व्हाट नॉट टू ईट, क्या नहीं खाएं, विथ हुम मतलब होता है किसके साथ, विथ हुम टू गो, किसके साथ जाएं, विथ हुम नॉट टू गो, किसके साथ नहीं जाएं, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाएं, व्हेन टू टीच, कब पढ़ाएं, इज नॉट डिसाइडेड, यह तय नहीं है। तो आप इस तरह के वाक्य को जो है, इस तरह की हिंदी होती है डब्ल्यू एच प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस भी वन। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसको बिल्कुल अभ्यास करना शुरू कर दें, एकदम बिल्कुल शुरुआत से ही चल रहे हैं। और जितने भी बेसिक इंग्लिश हैं सबको हम स्ट्रक्चर से ही पढ़ाएंगे, ताकि आप बोलने का अभ्यास कीजिए, लिखने का अभ्यास कीजिए, समझने का अभ्यास कीजिए, और 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ऊपर वाले सब के लिए जो है सो स्ट्रक्चर के रूप में हम प्रयोग बताएंगे, जो आपको काफ़ी रुचिकर लगेगा, अंग्रेजी सीखने में आपको मदद करेगी। ठीक है, धन्यवाद।